अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 में लखनऊ में जरूर हुआ पहला जलसा, लेकिन यही वो शहर है आज पर मुंबई में जहाँ तमाम तरक्की पसंदों को पनाह मिली और तरक्की पसंदी की जड़ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर फैली। वली सदा जावरी हो, वह सच्चा जहीर हो, वो जो अंसारी हो, कैफी आजमी हो, जानिसार अख्तर हो, किस किस का नाम ले, सब किसी मुंबई के परवान चढ़े। तरक्की पसंदी कमज़ोर ज़रूर पड़ी, लेकिन हाल फिलहाल में इलाहाबाद में प्रोफेसर रिजवी अकेल रिजवी साहब जो सबसे बड़े उसके कायद थे, उनके इंतकाल के बाद भी तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंदी दुनिया में जहाँ जहाँ उसके नाम लेवा है, उसके सबसे बड़े आलमबरदार इस वक्त हमारे दरमियाँ वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक डीन सदर शोबे उर्दू मुहक्किक नक्कार एक मुशफिक उस्ताद सफ़रनामा निगार उस्ताद निगार क्या कहते हैं, पूरी किताबें लिखी गई, PhD हो रही है। हम सब के मुशफिक का रफरमा प्रोफेसर अली अहमद फाजली साहब की नरको कान नज़में शायराने हाल पर इतने चलो तुकमीर को सुनने की मोती से भी होता है। आइए बहुत ही अदब और इत्तेहाम के साथ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अली अहमद फाजली साहब। गैर मौजूद सदर और मौजूद खवातीन और हज़रात, बेहद मुबारकबाद उन तंजीमों को जो बहुत बुनियादी मसले पर इस सेमिनार का इस मुज़ाकरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर जफर साहब के दोनों बेटे जो मुझे चचा कहते हैं और बजा कहते हैं, इसलिए कि जफर साहब मुझे अपना छोटा भाई मानते थे, इसलिए नहीं कि वो यूपी के थे और हम भी यूपी के हैं, बल्कि हमारा रिश्ता नज़रियाती था, फिक्री था, इल्म और अदब का था। बहुत ज़रूरी है इन मसाइल पर बात करना और ख़ास तौर पर नस्ल नौ की बात करना। अभी अभी शमसी साहब ने बम्बई के बारे में जब ये कह दिया कि बम्बई में अब उर्दू बड़ी बुझी बुझी सी है, तो मैं यूपी की हालत ज़ार आपको किस तरह बयान करूँ। रखियो वाली मुझे इस तरह नवाई से माफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सेवा। 40 साल शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम और तदरीस की खिदमात बुरी भली जैसी भी मुमकिन हो सकी, अंजाम देने के बाद अभी जून में मैं रिटायर हुआ। जाहिर है 4 दहाइयां मैंने गुजारी हैं, तो कुछ खट्टे मीठे तजुर्बात भी हैं। रोने नहीं आया, तरक्की पसंद अदीब रोता नहीं, लेकिन तरक्की पसंद अदीब क्रूड रियलिटी तक पहुंचता तो है, तरह हकीकत तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, क्योंकि अगर आप हकायक नहीं समझेंगे तो उसका इलाज कैसे करेंगे। नहीं हो सकता, आपने वजह कहा कि उर्दू शोभा आए उर्दू में एक तरह से तय होकर रह गई, लेकिन अब जरा वो शोभा आए उर्दू की भी दास्तान सुन लीजिए, वहां उर्दू का क्या हाल,
बातें भी हैं लेकिन थोड़ी सी तरफ बातें भी हैं। यूपी जो उर्दू की जाय पैदाइश जन्मभूमि लखनऊ इलाहाबाद अलीगढ़ और दूसरे शहर गोरखपुर भी उसमें शामिल, उस इलाके के जो अच्छे इलाकों के कुछ बच्चे हैं वो तो अलीगढ़ चले जाते हैं, जेएनयू चले जाते हैं, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जामिया चले जाते हैं। हमें कच्चा माल मिलता है, खाम मवाद मिलता है जो जौनपुर से आया है, प्रतापगढ़ से आया है, फैजाबाद से आया है, या खुद इलाहाबाद के जो जो तहसीलें हैं फूलपुर मऊआमा लालगोपालगंज, जिनके वालदेन अलीगढ़ भेजने की इस्तेताब नहीं रखते वो हमें, तो मैं कहता हूं अलीगढ़ वालों से, मियां तुम्हें तो छटा हुआ माल मिलता है, उसको अगर तुमने फर्स्ट क्लास पास करा दिया तो ठीक है, अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हमें तो कुंदे ना तलाश मिलता है जो वजन को गजन कहता है और नज़्म को नजम कहता है। अब बताइए हायर एजुकेशन में बच्चा 18-20-22 साल में हमको मिलता जब उसकी जबान पुख्ता हो चुकी है, अब हम 2-4 साल का साथ उसमें हम कैसे उसका इमला और जुमला दुरुस्त करें, और हम इमला और जुमला दुरुस्त करने के लिए रखे नहीं गए, हम तो मेरोवाली पढ़ाने के लिए रखे गए, हम प्रेमचंद पढ़ाने के लिए, और इमला और जुमला तो शुरू होता है घर से। अब मैं उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता, आप सोचिए जरा सा, एक वाक्य सुनाता हूं, साजिद यहां गोरखपुर से आया हुआ बैठा हुआ है, इनके डिपार्टमेंट के एक साबिक प्रोफेसर थे प्रोफेसर महमूद इलाही, बड़े नाम है मशहूर, जब मैं सदर शोभा उर्दू था तो प्रोफेसर महमूद इलाही साहब को मैंने एमए फाइनल का, कभी तो सुनिएगा, एमए फाइनल का वाइवा लेने के लिए बुलाया, वो आ गए गोरखपुर का वाक्य आया मैं सुनिएगा, उनकी आदत ये थी कि बच्चा आया तो उसे जरा सा कुछ होमली करने के लिए, ए बेटे आपका नाम क्या है, साहब ये नाम है, आप आए कहां से हैं, आपके वालिद क्या करते, ताकि बच्चा जरा घुल मिल जाए उसके बाद वाइवा हो जाए। अब एक सच्चा वाक्य आपको सुना रहा हूं, एक बच्चा आया पहले सुनिए, बेटे आप कहां से आए, जी गाजीपुर से, अरे भाई फातिमा साहबी तो गाजीपुर के आया, आप सवाल कीजिए, एक आध सवाल किया तरसा दिया उसको, दूसरा बच्चा आया बेटे आप कहां से आए, कीजिए आजमगढ़, आजमगढ़ प्रोफेसर महमूद इलाही साहब का मूड और खराब, वो एक आरामदेह कुर्सी थी कमरे में उस पर जाके लेट गए, फातिमा ने आप इंटरव्यू में क्या मैं पूछू जो आजमगढ़ से आए जो गाजीपुर से आए, अब हम शर्म से कटे जा रहे उर्दू मारे शर्म के गले जा रहे। तीसरा बच्चा आया वहीं लेके लेके पूछा आरामदेह कुर्सी से, बेटे आप भी बता दीजिए कहां से आए, उसने कहा गाजीपुर से, उछल के बैठ गए महमूद इलाही, अरे भाई एक बार फिर कहो, कहिए गाजीपुर से, कहीं जाओ तुम्हारा वाइवा हो गया तुमने गाजीपुर में। हाय तो एक लड़का है मगर सच्चा, जो माँ बाप जबान बोले वही बच्चा जबान सीखेगा। अब मेरी आदत यह है कि मैं जब पहला क्लास साल का लेता हूं तो तारुफ करूं, मैं जब एमए करता था तो 18-20 बच्चे थे, आज 100 से ऊपर बच्चे हैं, 90% बच्चे जब मैं जब पूछता हूं कि तुम उर्दू से एमए क्यों कर रहे हो, किसी के पास कोई माकूल जवाब, बस कर रहे हैं, किसी ने कहा अब्बा ने नाम लिखा दिया, चाचा ने नाम लिखा दिया, खुद उनकी कोई राय।
मादरी जबान, बच्चों को मालूम है कि मादरी जबान का तसव्वुर क्या है। इसलिए क्योंकि कोई मादरी जबान है ही नहीं, वो भूल चुके, क्योंकि माए भी भूल चुकी। मैं इलाहाबाद में एक उर्दू घर छोटा सा है उसको चलाता हूं, नूरुल्ला रोड है, मुसलमानों की दुकानों से भरी। इम्तिहान सुनो, मुझे बुरा लगता है जब कोई कोई बात सुनने लगती है। मैंने इम्तिहान कहा है, जे बहुत साफ निकलता है। उर्दू घर आलमी मकबूलियत वसत और दिक्कत, ये मैं कल पेश करूंगा बस एक दो मिनट में आपकी बात। तो उर्दू घर की तरफ से मैंने एक मुहिम चलाई, वहां एक बहुत मशहूर नूरुल्ला रोड है इलाहाबाद में, मुसलमानों की कम से कम 4-5 हजार दुकानें थी, खचाखच, लेकिन उस 2,000-2,500 तो होंगी। उस 2,500-2,500 में मुझे 2 या 3 दुकानें मिली जिसमें उर्दू लिखी हो, बाकी हिंदी या अंग्रेजी। हम लोगों ने मुहिम चलाई कि इनके बोर्ड पर उर्दू भी लिखेंगे। आप यकीन कीजिए, जब मैं जाता था उसे ये कहता था कि भाई उर्दू भी लिख लो, हिंदी भी लिखो, अंग्रेजी भी लिखो, एक कोने में उर्दू भी लिख लो, इसलिए कि उर्दू, जरा सुनिएगा, उर्दू मादरी जबान है। तो ऐसे मुंह फैला देते थे, मादरी जबान मतलब उर्दू भी लिखी जानी चाहिए, उर्दू मादरी जबान है, ये सब उनके तस्वुर ही में नहीं आता। आए बार का शेर याद आता है कि वाले नादानी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता, उनको अपने नुकसान का भी एहसास। शियों की मजलिस से और सुन्नियों के मदरसे से थोड़ा सा हमको मिल जाता था मामला, अब शियों के हर लोहे की हिंदी में पढ़े जा रहे हैं और जमात इस्लामी के लिटरेचर भी हिंदी में था। अच्छा, यहां कौन मोदी है कौन योगी है, माफ कीजिएगा नाम नहीं की बात कह रहा, वो तो नहीं रोके आ रहे हैं। 3-4 नस्ल हमारी हिंदी पढ़ गई, हिंदी पढ़ने पर कोई इतराज मुझे नहीं है, कौमी जबान है, जरूर पढ़िए, कौमी जबान उर्दू भी है स्टेट के खास तौर पर, लेकिन वो आप वो अपनी मादरी जबान को फरामोश करके आप हिंदी पढ़ते हैं। रिसर्च स्कॉलर सर, हमने कहा भाई ये काम करो, बस तुरंत गया, तुरंत आया, तुरंत गया। न जाने क्या क्या, मुझे तुरंत कोई एतराज नहीं है, तुरंत वहां पढ़िए, लेकिन आप फौरन बोलते भूल गए, आप जल्दी भूल गए, आप उर्दू भूल गए, ये आलम है। समय नहीं मिला, मैं तो तुमने मजबूर नहीं लिखा, तो समय नहीं मिला, रिसर्च स्कॉलर बोला। अंजुमन इस्लाम में बैठते हुए बैठ के बात कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में बंबई में और दक्कन में उर्दू की वो सूरत हाल नहीं है जो यूपी में हुआ। ये आखिरी बात कहकर रुख्सत हो रहा हूं कि 4 दहाइयों में 5 दहाइयों में बल्कि आजादी के फौरन बाद 6-7 दहाइयां जितनी भी गुजरी, बदनसीबी ये हुई, नासमझी ये हो गई कि उर्दू का मुकाबला हिंदी से हो, उस मुकाबले को मतलब उर्दू और हिंदी को हिंदू मुस्लिम के तौर पर लिया गया, अगर उर्दू को फौरन मिला तो हिंदी जेर हो जाए। नादानों को, इन कमबख्तों को, ये नहीं जानते कि उर्दू और हिंदी ग्रामेटिकली इतनी करीब हैं कि अगर एक जबान फरोग पाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी जबान को फरोग मिलेगा। अगर उर्दू तरक्की करती है तो ला महाला हिंदी भी तरक्की करती है, लेकिन तासुब नफरत और अदावत का जब चश्मा आंखों में लग जाता है तो फिर कोई मंतिक नहीं है। जो आज आप देख रहे हैं फासिज्म की तारीफ ही यही है कि वो इलॉजिकल हो। मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, ये अदबी सेमिनार है, तो हमको देखिए, उर्दू एकेडमी की मिट्टी पलीद हो रही है, मदरसों की मिट्टी पलीद और पलीद की जा रही है, और हम खामोश तमाशाई इसलिए हैं
खड़ी हुई हमारी बहनें, जो बच्चा माँ की आगोश से सीख कर आए उसी को तो कहते हैं माँ, आगोश मादर से जो सीख कर आए। अब जो नई माए हैं ये माफ करें वो, उनको टीवी सीरियल से फुर्सत नहीं, सास और बहू के झगड़ों को बड़ी लज्जत से देखती, बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चे के लिए कोचिंग करा दिया, एक 50 रुपए महीने की अंगुल भी रखा दिया, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 2000 दे रहे हैं और अरबी पढ़ाने के लिए 150 भी नहीं ठीक निकलता। अरे भाई उसी के साथ साथ तुम MBA कराओ, तुम MBBS कराओ, तुम इंजीनियर बनाओ, किसे होगा, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, मोबाइल इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हें दुनिया के साथ चलना। लेकिन साथ साथ उर्दू भी पढ़ा दो, जैसे अरबी पढ़ाते हो, जैसे नमाज सिखाते हो वैसे उर्दू पढ़ाओ। लेकिन देखिए मैं सरकारी आसवाद पर जो है अपनी जगह पर है वो कहीं ना कहीं, लेकिन उर्दू या कोई भी जबान जिंदा रहती है अपने बोलने वाले, अपने बोलने वाले, अपने मुहावरों से जिंदा रहती है, अपने मिसरों से, अपने नारों से जिंदा रहती है। आज भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा अलग नहीं हुआ, उर्दू का ही कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इस घर को आग लग गई घर के चला, इसलिए मैं रोने नहीं आया, लेकिन हकायक को समझना होगा। उर्दू कहां जाए, उर्दू भी मातृ जबान, खुदा भला करे इन मदरसों का। लेकिन प्रॉब्लम यह है वहां जो मुल्ली पढ़ा रहे हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं उनको उर्दू नहीं आती, ये जो गैप इसने हमारा और चौपट कर रखा है। इसलिए नस्ले नौ, देखिए उर्दू जो है, मैं अब एक और छोटी सी बात कहूं, जैसे मैं जब हेड था तो मैं कहता था बच्चों से, सुनिएगा बहुत दिलचस्प बात, कि बेटा तुम्हारे बीए में अच्छे नंबर आए हैं, सुनिएगा आप लोग, तुम उर्दू से एमए कर लो। फौरन बच्चा सवाल करता, इससे क्या फायदा, और इससे क्या फायदा, आप सोचिए। आप एक पहले बात कर लीजिए, सफिया अवल बैठ के और भाई का बात करना प्लीज, इससे क्या फायदा। मैं कहता था बेटा तुम अपनी अम्मा से क्यों प्यार करते हो, इससे क्या फायदा, अपने अब्बा की क्यों इज्जत करते हो, इससे क्या फायदा। क्या ये दुनिया मीजाने नफा नुकसान पर तुलेगी और चलेगी। गोरखपुर के ही शायर, लेकिन उन्हें इलाहाबाद का मानता हूं, फिराज गोरखपुरी कहा करते थे कि एक बनिए से किसी ने पूछा, कमाल साहब, एक बनिए से किसी ने पूछा कि मियां तुम जन्नत जाना पसंद करोगे जहन्नम, कि भैया जहां 2 पैसे के फायदा हो, कंपस 2 पैसे के फायदे के लिए जहन्नम जाने को। ये मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया को जहन्नम बनाने के लिए, आप सोचिए कि सारी दुनिया पेप्सी पिए, सारी दुनिया पिज्जा खाए, सारी दुनिया जींस पहने, तो हमारा रोजा कहां जाएगा, हमारा आम का पना कहां जाएगा, सोचिए समझ। तो ये सारी चीजें आप समझने की है। कल्चरली उर्दू सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक लिंगुअल कल्चर है, एक सोशल कल्चर है, एक रिलीजियस कल्चर है। वो सारा कल्चर खत्म करने के, और ये आलमी साजिश का एक हिस्सा है, इस साजिश को भी समझने की जरूरत है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि लंदन में मुशायरा हो रहा है, टोरंटो में मुशायरा हो रहा है, हम खुश होना चाहिए, लेकिन आप जड़ को तो काट रहे हैं और पत्तियों पर छिड़काव कर रहे हैं। वेदांत का एक नज़मी है मनी प्लांट, कहले मियां हम मनी प्लांट की तरह हैं, देखने में हरे भरे हैं लेकिन हमारी जड़। ये सब बातें बहुत संजीदगी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बंबई के एक ऐसे तारीखी और तहजीबी हाल में और ऐसे सामीन के बीच में बैठा हूं कि उर्दू का मसला आप यकीन कीजिए
एक जबान का मसला नहीं है, बल्कि जो तासुबात, जो तहफुदात, जो नफरतें, जो अदावतें है, उर्दू को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, उर्दू को इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। अगर इस्लाम ठीक है, लेकिन फिर फिराक गोरखपुरी को किस खाने में रखेंगे, रतनलाल सरसार को किस खाने में रखेंगे, प्रेमचंद को किस खाने में रखेंगे। ये सब बातें बहुत संजीदगी से सोचने चली जा रही है। क्या कोई मुल्क, कोई समाज एक रंग और एक तहजीब में चलेगा, और खासतौर पर हिंदुस्तान में? यह मुमकिन नहीं है। चमन में इख्तलाफ रंग रूह से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या। कोई बागीचा, कोई गुलदस्ता देखिए, मिला हुआ गुलदस्ता कितने मुख्तलिफ रंग के फूल, तब गुलदस्ता बन रहा है। ऐसे समाज भी एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें मुख्तलिफ रंग सिर्फ उसमें घाल में लगा दो तो बहुत मजा देने लगती है, जिसके जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई रंग नहीं, लेकिन वो कुछ और रहा। इसलिए दोस्तों, हो सकता है आप कि आप भी तो रो गए, अब क्या करें, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब सजा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब।